व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग। न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह सुबह हम खा रहे हैं दूध वाली सेवियाँ, मीठी जो बनाते हैं ना, क्योंकि सर्दियों में मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और रखी भी थी तो दिखाता हूँ आपको एक बारी। ये बनाई है शिल्पा ने सुबह सुबह दूध वाली सेवियाँ, इसमें इलायची डाली हुई है ना, बस दैट्स इट। इज इट सो इजी? हाँ इजी है। वैसे तो लोग बहुत सारे कमेंट्स आए थे पहले कि भी वो डालते हैं लोग कंडेंस मिल्क, अच्छा, बट फिर वो मुझे इतना स्वीट नहीं करना और है ना कोई क्विकली बनानी है, तो ये ऐसे भी सही है। तो ये तो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट है काइंड ऑफ, क्योंकि हैवी हो जाता है दूध, इतना सारा दूध और हैवी हो जाता है। अच्छा अच्छा थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है, ज़्यादा ठंड नहीं है। अगले हफ्ते बहुत ठंड आने वाली है यहाँ पे ना डैलस में, इतनी ठंड नहीं होती पाए थे जितनी बाकी स्टेट्स में होती है, न्यूयॉर्क में, शिकागो में और डेनवर में, और जो ऊपर की नॉर्थ की स्टेट है, इवन जैसे कैनेडा से, कैनेडा तो और ठंड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ से नॉर्थ से एक स्टॉर्म आता है जो डैलस को टच करके जाता है, और बस साल में दो बार स्टॉर्म आता ही आता है, उसमें बर्फ भी आती है कभी कभी। तो अगले हफ्ते एक स्टॉर्म आने वाला है जिसमें ठंड होने वाली है, नॉट श्योर कि भी बर्फ पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बट इसका मतलब ये हुआ बिकॉज वो स्टॉर्म नॉर्थ से आएगा, ऊपर की सारी स्टेट्स इवन कैनेडा ठंड में, ऐसे बहुत ठंडी हो रही थी वहाँ पे। वहाँ तो मुझे तो यहाँ के डैलस का ही अच्छा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड होती है और कभी कभी स्टॉर्म आता है तो थोड़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, बट इट्स ओनली फॉर फ्यू डेज। तो लेट्स सी कैसा रहता है, बर्फ की वेट कर रहा हूँ, अभी तक बर्फ नहीं पड़ी है, क्योंकि दो तीन दिन की बर्फ पड़ती तो अच्छा लगता है ना, खेलने में मजा आता है। गाइस संडे के दिन सुबह गैराज साफ हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितना मर्जी बड़ा घर ले लो गैराज तो हर बार ही भर जाता है ना रजे, तुम लोग ना करते करते भी देखो कितना भर जाता है गैराज। वो डॉगी जा रहा है ध्यान से, कोई ऐसा डॉग देखा? इवन डॉगी जा रहा था वहां पे और फिर भी बड़े मजे से बैठा, देखो धूप सेक रहा है। बदी बेटा देखो आज क्लीन करे, सिर्फ बड़ी को ही मैं ट्रस्ट कर सकते हैं उधर बिठाने के लिए। हाँ और कोई नहीं, मजे से धूप सेकता है उसको, मुझे लगता है अच्छी लगती है धूप। बदू वी भी फेस तो दिखा दे अपना। गाइस आपने देखा ये क्या है, देखो क्या है, गैस करो गाइस, ये पेड़ होता था कभी। खाली पड़े देखो लकड़ियाँ, देखो हमारा भी ये वाले भी छोटा सा डंडी रह गई सिर्फ। अमेजिंग अमेजिंग हाउ फॉल सीजन में कितना झड़ जाता है सब कुछ और डंडियाँ रह जाती हैं, स्प्रिंग में आएंगे वापस। गाइस देखो एक प्रो टिप आपके लिए, अभी मैंने गैराज खाली किया ना थोड़ा, तो उसके अंदर एक लॉन मोवर पड़ा था मेरे पास, जो ऐसा होता है रील लॉन मोवर बोलते हैं उसको, उसके स्पेयर पेच है यहाँ पर मेरे पास, तो मैं ये पेच उठा के रख रहा हूँ अपने पास फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में मैं भूल जाऊँगा ये पेच किस चीज़ के। तो मैं यूजली क्या करता हूँ, ऐसा एक पेपर स्टिकी नोट लेके रील ऑन मोर उस पर लिख के इनके अंदर डाल दूँगा, इसके पैकेट के अंदर, तो फ्यूचर में मेरे को याद रहेगा ये किस चीज़ के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ना स्पेयर चीज़ें होती हैं आपके पास, जैसे एक क्वीन बेड के हमारे पास ऐसे पड़े हैं, मेरे ऑफिस डेस्क के पड़े हैं, ऐसे फर्नीचर के स्पेयर है ना, ये पेज वगैरह ऐसे पड़े होते हैं, आपको फ्यूचर में याद ही नहीं होगा ये किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का है, तो वहीं की वहीं लिख के इसके अंदर डाल दो, यू नो दैट्स अ प्रो टिप, आप कभी भूलोगे नहीं कि ये किस चीज़ के पेज है। ये देखो जस्ट एग्जांपल, हमारे जैसे किंग बेड का ये पड़ा है, डाइनिंग टेबल का ये पड़ा है पाउच, कौन सा है, बुक शेल्फ के स्क्रूज पड़े ऑलरेडी, तो ऐसे मैंने एक रील लॉन मोर का बना के वैसे डाल दूंगा, क्योंकि कई बार है ना जैसे अभी इकट्ठे हो जाएंगे तो एटलीस्ट फ्यूचर में याद रहेगा कि कौन से पेज किस में है। अगर ये वाली टिप आपको हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को लाइक करें एज अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू। गाइस देखो हमारे न्यू पैकेज आए हैं, ये डॉसियर से है, और लेट मी शो यू, दीज आर आइकॉनिक सेंट्स, डिज़ाइनर क्वालिटी, बहुत ही बढ़िया इनके परफ्यूम्स होते हैं, और यू नो ग्रेट साइज, लेट मी शो यू, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो गाइस हम पहले ऑलरेडी हम इस ब्रांड को प्रमोट कर चुके हैं, और ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर ये हमें, तो इन डॉसियर्स ने हमें थोड़ी प्रोडक्ट भेजे ट्राई करने के लिए फिर से, और द ओनली रीज़न मैं इसको फिर आपके सामने लाया हूँ इस ब्रांड को अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अमेजिंग प्रोडक्ट्स, दे आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। मैं एवरीडे एक्चुअली मैं यही यूज़ करती हूँ, तो महंगे महंगे परफ्यूम लेने का कोई फायदा नहीं है, इतने महंगे होते हैं, कितने के 200-250 के परफ्यूम्स आते हैं, बहुत महंगे आते हैं परफ्यूम, एक एक परफ्यूम, और सेम फ्रेग्रेंस गाइस। तो कितने तो कॉम्प्लीमेंट्स मिले हमें, शिल्पा को पता है जहां भी जाती है, ओ आर यू वेयरिंग बकरट रोज, लाइक शी इज लाइक यस, तो लोग इतना अच्छा गेस कर लेते हैं, और कितने लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया, और अगर आपको पता हो बकरट रोज इज
लाइक $300 प्लस का ब्रांड है और यू नो उनके लाइक डूप मिलते हैं ये वाले डॉसियर कंपनी के हैं. अमेजिंग स्मेल, अमेजिंग फ्रेग्रेंस गाइज. मैं बस आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप हमारे बोलने पे अगर आप यूएस में हैं जरूर ट्राई करना. एक्चुअली एक बार अगर आप ट्राई करोगे ना तो आप बार बार लोगे. यू विल लव इट गाइज, यू विल थैंक अस. मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको इतने पसंद आएंगे. और यू नो इतना महंगे महंगे परफ्यूम क्यों लेने हैं व्हेन यू कैन बाय द सेम फ्रेग्रेंस राइट एट अ लोअर कॉस्ट बाय दिस. और हमने तो अपने कितने फ्रेंड्स को रेकमेंड किया है क्योंकि हमारे फ्रेंड्स ने जिसने हमें पूछा कि अरे तुम तो बहुत अच्छे स्मेल हो रहे हो, बहुत अच्छे स्मेल करते हो तुम, तो फिर हमने उनको रेकमेंड किया और उनको भी बहुत अच्छा लगा. तो उन्होंने हमसे पूछा था भाई ऑब्वियसली इतने महंगे, तो हमने उनको बता दिया कि इतने महंगे तो हम नहीं ले सकते, बट हमने ये डॉसियर के लिए तो आप भी चेकआउट करना. अगर आप यूएस में डेफिनेटली चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल रियली थैंक मी, आई एम प्रीटी श्योर. तो गाइस डू चेक इट आउट, हमें तो बहुत अच्छे लगे हैं. इस सैंपल के लिए हमारे पास और आए हैं बट हम इतने इंप्रेस्ड हैं कि हम आपको भी सजेस्ट करेंगे. और डेफिनेटली चेकआउट देयर वेबसाइट, यूएस में है तो मेरा तो बहुत रिकमेंडेशन है आपके लिए. क्या हुआ सुबह सुबह, क्या हुआ, लग गई? ये धो रहा था मैं. क्या धो रहा था? आज जिंदगी में एक बर्तन धोने को करने को मिल गया तो देखो लग गई. कैसे? ओह नो, कुछ काम भी नहीं है डॉगीज, कोई प्यार नहीं कर रहे मुझे, कोई प्यार नहीं करता मुझे, घर में कोई प्यार नहीं करता, बड़ी भी प्यार नहीं करता मेरे को. बड़ी रोज देख लग लग गया भाई, देखे बड़ी चोट लग गई. बड़ी क्या ओके भाई? क्या घर में डॉक्टर हूँ? हाँ, क्या तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी वजह से. तुमने धोए क्यों निकाली? डिशवॉशर में क्यों नहीं लगाया तुम? डिशवॉशर में ही लगा हुआ था, बस डिशवॉशर ऑन नहीं किया था. वही ना, डिशवॉशर गाइस मैं भर के रख दिया और ध्यान ही नहीं रहा मुझे ऑन करना. तो देखो भरा पड़ा है डर्टी डिशेस से, बट ऑन करना भूल गई. तो अभी मैंने अभी अभी बोला था, मैंने कहा कि इतना बड़ा ब्लेंडर मत यूज करो, छोटा वाला यूज कर लो, इतने सारे हैं, क्यों दिखा रहे हो लोगों को अपना? देख लो गाइस, लड़के ऐसे होते हैं, चुना सा ब्लड निकलता है और कब से रो रहे हैं. ओहो क्या मजे चल रहे. यूजलेस डॉगीज, कोई प्यार नहीं करता मुझे. अपने खेलने की पड़ी. ओ देखो बड़ी तो बहुत वरीड लग रहा है. बड़ी देख लो स्मेल, बड़ी मेरे ब्लड स्मेल पे देख, बड़ी चोट लग गई यार. थैंक यू बड़ी, थैंक यू, तू ही मेरा सच्चा डॉगी है, बाकी सब तो नॉटी डॉगीज हैं. थैंक यू बड़ी, मुझे चोट लगी, थैंक यू बड़ी. और लग जाएगी ऐसे कह रहा, इधर तो मैं ठीक करूँ. गाइस देखो अब ब्लड क्लॉट हो गया था और मैंने बैंडेड लगा दिया ताकि यू नो फोर्स ना पड़े तो जल्दी ठीक हो जाएगा. रुक गया था ब्लड, रुक गया था आधा घंटा, थोड़ा सा हुआ था ब्लड निकला था और दर्द है तो मैं ट्राई बिल्कुल अवॉइड कर रहा हूँ कि इस पे प्रेशर ना पड़े. क्या यार सुबह सुबह हो गया. गाइस इस वाले वोडे के साथ भी मैं एडिटिंग करके आया हूँ क्योंकि यू नो क्या बोलते हैं वो, शो मस्ट गो ऑन गाइस. और एक एक न्यूज़ है गाइस शिल्पा के लिए, तो मैंने सोचा आपको भी साथ में बताऊँगा. शिल्पा तो अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था तो न्यूज़ चैनल की वीडियो थी, न्यूज़ चैनल ने किसी को रीच आउट किया क्योंकि उसके डॉगी ने $4,000 के नोट फाड़ दिए. $4,000 के नोट फाड़ दिए. पहली बात तो लाइक डॉगी के पास कैसे आए इतने सारे? काउंटर पे थे, ट्रेन नहीं होते लोगों के डॉग्स, काउंटर पे थे वो चढ़ा. हाँ मानता हूँ, पर $4,000 कम नहीं होते, बहुत होते हैं $4,000. तो न्यूज़ क्या है उसके अंदर, न्यूज़ ये है कि आप पता है गाइस आपको पता नहीं होगा, ये मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा शॉर्ट में, कि अमेरिका में फटे हुए नोट भी अगर आप चिपका दो ना तो वो चल जाते हैं. हाँ. जैसे इंडिया में तो फट हल्का सा भी फट जाए ना वापस दे देते हैं राइट, यहाँ पे फटे हुए नोट भी चल जाते हैं. और हाफ होता है, दो अलग अलग होते हैं बिल और उसको टेप लगा बस. हाँ कुछ ऐसा हो कि यू नो उसमें क्या था, उस बंदे ने बिकॉज नोट फाड़ दिए थोड़े बहुत खा गया, तो पता बंदे ने क्या किया, उसकी पॉटी देखता रहा कब कर रहा है, उसमें से निकालता था. $4,000 कम नहीं होते, मैं भी पॉटी में से नोट निकाल लूंगा. नहीं तो फिर साफ कैसे करोगे, लगाओगे कैसे? वही धो धो के उसने बंदे ने पॉटी में से नोट निकाले, फटे फटे छोटे छोटे पीसेस थे,
हाँ, $400 तो तुम भी नहीं छोड़ोगे शिल्पा, $400 में बहुत कुछ आ जाता है। तो पॉटी में से नोट निकाले, धोए, और जो भी उसको सीरियल नंबर मैच कर रहा, जहाँ पे जैसे टेट्रिस की तरह गेम खेला उसने, नहीं क्या पजल्स होती है ना, जिग्सॉ पजल की तरह, उसने नोट जब लगाए, कहती $3,500 रिकवर कर लिया उसने। और नोट चल गए, क्योंकि यहाँ पे चल जाते हैं नोट। मतलब पॉटी में भी उसने हाथ डाल के उसने नोट पॉटी बैग में आता ना, तो रिकवर कर लिया। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग न्यूज, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। शुभा एक क्वेश्चन है, और ये मिस्टर बादशाह ने एक गाने में बोला हुआ है, तो मिस्टर बादशाह ने तो कवि ने, कवि की कल्पना को देखिए आप, कवि ने बोला है कि वो एक सिंगर की कल्पना को देखिए, सिंगर ने बोला है कि उसे नाचने का शौक था, मुझे नचाना आता था। कट 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 गाइस, कट 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 हो जाता है शिल्पा को, बहुत कुछ बहुत ऐसा हो जाता है, कभी कभी सांस अटक जाती है, कभी हवा अटक जाती है, कभी पानी अटक जाता है। शिल्पा के ना मुझे लग रहा है नली सीधी नहीं है, शिल्पा की नली ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कुछ ना कुछ अटक जाते हैं उसके यहाँ। तो मैंने सोचा मैं ले लूँ अपनी तरफ कैमरा। आर यू रेडी नाउ? ओके कंटिन्यू। शिल्पा को कन्फ्यूज हो गई, गोली भी निकल गई क्या पानी के साथ? इन भाई साहब को देखो, पूरे दिन उल्टा लेटर रहता है, बट 24 घंटे में से मुझे लगता 10-15 घंटे राशि होता है। नहीं, 10-15 घंटे सीधा रहते हैं। ओके एनीवे, तो सिंगर ने बोला है, सिंगर की कल्पना देखिए, कहता है उसे नाचने का शौक था, मुझे नचाना आता था। उसे मचने का शौक था, मुझे मचाना आता था। तो शिवरा मचना क्या होता है? मचना शिवरा मच के दिखाओ, ये क्या कर रही हो तुम? ये मच रही हूँ, ये मच रही हूँ। क्या होता है मचना? मुझे क्या पता मचना क्या होता है, बादशाह ने बोले, बादशाह से पूछते जाके मचना। गाइस मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट्स में, मचना क्या होता है? यही बोला ना उसने, हाँ, लिरिक्स देखे हैं? बिल्कुल पता है मुझे, उसे मचने का शौक था, मुझे मचाना आता था। गाइस कमेंट्स में चाहिए मुझे इसका आंसर, कौन बताएगा मचने का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ। मैं आई एम डन विद दिस लिरिक्स गाइस। कुछ भी गाते हैं हम लोग, उनके पास बस म्यूजिक में राइम कर जाते हैं तो हम भी गा लेते हैं, वो तो ऑडियंस को तो हम फुद्दू समझते हैं सब आजकल ना, कि कुछ भी दिखा दो मूवीज में, कुछ भी बना दो गाने में, ऑडियंस का क्या है, वो तो फॉलो करेगी करेगी, और हम लोग फॉलो करते रहते हैं। उसे मचने का शौक था, मुझे मचाना था, मुझे उसका आंसर ही नहीं पता मचना क्या होता है, हिंदी लैंग्वेज में कोई वर्ड ही नहीं है। एनीवे तो गूगल करो, गूगल किया गाइस, गूगल से आंसर पता लग गया है, मचना होता है समथिंग हैपन, जैसे शोर मचाना, तो शोर मचाना सिर्फ अच्छे से शोर मच गया तो मतलब समथिंग हैपन्ड। नहीं तो लेकिन मीनिंग क्या बन रहा है, मचने का शौक था ना? मैं तो गूगल ये भाई, मुझे तो पता नहीं मचना का शौक क्या होता है, तो मचने का मतलब मचने का शौक मचाना आता था, मचने का शौक क्या मतलब, उसको होने का शौक था, मुझे कराना आता था, आई डोंट नो समथिंग। एक दो वीडियो पहले आपको बताया था ना, कॉस्को कहाँ कहाँ कंट्रीज में है, अमेरिकन स्टोर है ऑब्वियसली, तो अमेरिका में तो है ही है, 600 stores है अमेरिका में, और कनाडा में है 108, मेक्सिको में है 40, कमेंट्स में आया था कि ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूके में भी है। तो मैंने एक्चुअली में कॉस्को की वेबसाइट खोली, मुझे पता नहीं था कहाँ कहाँ पर है, आप भी हैरान हो जाओगे, 33 जापान में है, यूके में 29 है, कोरिया में भी 18, ऑस्ट्रेलिया में 15, ताइवान में 14, चाइना में भी 5 है, स्पेन में 4, फ्रांस में 2, आइसलैंड में भी है भाई साहब, न्यूजीलैंड में 1, स्वीडन में 1, देखो कितनी जगह पे कॉस्को है, मुझे तो पता ही नहीं था। हवाई में, हवाई यूएस में आते चलता। चलो गाइस अब मैं वीडियो बंद करता हूँ, होपफुली मेरी अंगूठा पॉजिटिव ठीक होगा, और मैं जरा जाके मचता हूँ, और आप भी मचो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस, बाय, टेक टू गाइस, हो सकता है मचने का मतलब कुछ और हो, तो कुछ गंदा होना पड़ो, तो कट 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 कट। तो गाइस वीडियो करता हूँ बंद, मैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अच्छे लगे ब्लॉग तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बाय।